मैं हूं दीपक सिंह और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से पूछे जाने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब यहां पर याद रखिएगा, आज की हम शॉर्ट क्लास को ही अटेंड करेंगे क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप बोर हो या फिर ज़्यादा क्वेश्चंस हम करें तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम शॉर्ट एंड स्वीट क्लास यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना है और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से जाइए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। और आज से इस क्लास का टाइम रहेगा हमारा 8:30 बजे। आपकी एग्रीकल्चर की क्लास भी इसी चैनल पर होगी और राजस्थान जीके की भी क्लास यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी, इसलिए एग्रीकल्चर और राजस्थान जीके दोनों की क्लास अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहे। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आशीष नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि लेवा क्रिया किस में की जाती है। ठीक है, याद रखिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है लेवा, तो ये पूछा गया है कि ये किस फसल के लिए उपयोगी है, धान, गेहूं, मक्का या फिर ज्वार। ठीक है, साथ साथ आप कमेंट कर सकते हो, ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। तो धान होता है, गेहूँ होता है, मक्का होता है, फिर ज्वार होता है। लेवा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप लेवा नहीं समझते हो तो लेवलर तो आप जानते हो। ठीक है, लेवलर मतलब समतल करना। ठीक है, लेवलर मतलब समतल करना, तो उसी प्रकार का ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या करते हैं हम, जो खेत होती है उसको हम समतल करते हैं। और इसका जो प्रयोग किया जाता है ये किस फसल में किया जाता है, याद रखिएगा धान फसल में किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि गुड़ाई उपयोगी है, मतलब गुड़ाई है ये क्यों की जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर के बारे में बात करेंगे। कि मृदा की सुधार के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, वाष्पीकरण को रोकने के लिए या फिर उपयुक्त सभी के लिए। आपको क्या लगता है कि जो गुड़ाई की जाती है किसके लिए की जाती है या फिर क्यों की जाती है, इसका रीज़न क्या होता है। ठीक है, रीज़न ही आपको पहचाना है यहाँ पर, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए होइंग, इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, होइंग। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा ब्लाइंड होइंग मतलब अंधी गुड़ाई, तो अंधी गुड़ाई का संबंध आपने कई बार पढ़ा ही होगा, गन्ना में की जाती और आलू में की जाती है। ठीक है, लेकिन वो कुछ अलग टर्म होती है, केवल यहाँ पर हम बात करेंगे गुड़ाई के बारे में। तो गुड़ाई क्यों की जाती है, तो इसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि याद रखिए कि जो गुड़ाई की जाती है मृदा की सुधार के लिए भी की जाती है, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए भी गुड़ाई की जाती है और वाष्पीकरण को रोकने के लिए भी गुड़ाई की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर नोट कर ले कि राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, पुणे में, सोलन में, नई दिल्ली में या फिर नासिक में। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित याद रखिएगा पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा, धान आपको दे रखा है, गन्ना आपको दे रखा है, पेड़ की फसल आपको दे रखी है और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे सघनता मतलब सबसे गहनता आपको ये पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपको एक करना है फॉर्मूला के साथ और ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास का जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये यही रहेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, मतलब जो सबसे गहनता हम याद करते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट कमेंट करना है, तो जल्दी से जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट लाइव क्लास ले रहे हैं सभी को बताना है कि सबसे गहनता मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो जल्दी से इसका सोल्व करिए। यहाँ पर आपको फसलें दे रखी है, यहाँ पर आपको ईयर का पता लगाना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे गहनता आपको ज्ञात करनी है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, धान, गन्ना और पेड़ी की जो सबसे गहनता है ये कितनी होती है, याद रखिएगा। आप जब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। आप एक बार हल करके देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर 100 ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित की गई थी। अब ये कहाँ से की गई थी, ठीक है, जीरो टिल सीड ड्रिल जो मशीन होती है ये कहाँ से विकसित की गई थी। इसको करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये मशीन है क्या और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है,
तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए जीरो टिल सी ड्रिल। अब सी ड्रिल को आप अलग कर लीजिए, एक होती है सी ड्रिल मशीन। अभी सी ड्रिल मशीन का क्या प्रयोग किया जाता है, सीड ड्रिल। ड्रिल मतलब यानी सीड की बुआई करने के लिए सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन का आप क्वेश्चन है, आप आसानी से पता लगा सकते हो कि सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग कैसे किया जाता है, सीड की बुआई करने के लिए सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ याद रखिए एक इसकी मुख्य विशेषता होती है, इस मशीन की जो सीड ड्रिल मशीन होती है इसकी मुख्य विशेषता होती है वो क्या होती है, याद रखिएगा कि इससे क्या होता है कि सीड के साथ साथ आप कोई सी मान लीजिए कोई फंजीसाइड आप दे सकते हो, कोई कीटनाशी आप दे सकते हो, मतलब आप इसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, मतलब सीड प्लस ड्रिल मतलब फर्टिलाइजर। ठीक है, याद रखिए इसे सीड और फर्टिलाइजर आसानी से आप प्रयोग कर सकते हो, किसके द्वारा, सीड ड्रिल मशीन के द्वारा। और इसको सबसे पहले कहाँ से विकसित किया गया था, अब इस क्वेश्चन के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर आपको आता है तो जल्दी से आप राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं लुधियाना, पंतनगर, हैदराबाद या फिर भोपाल। आपको क्या पूछा गया है, याद रखिएगा कि दोबारा से देख लीजिए आप क्वेश्चन कि जीरो ट्रिल सीड ड्रिल जो विकसित की गई थी मशीन ये कहाँ से की गई थी। तो याद रखिएगा जीरो ट्रिल सीड ड्रिल जो मशीन है इसको जो विकसित किया गया था ये किया गया था पंतनगर से। कहाँ से किया गया था, पंतनगर से। और पंतनगर से आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा ही होगा जो आप फर्स्ट आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। और वो कौन सी थी, याद रखिएगा GVPAU मतलब गोविंद वल्लभ भाई पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, पंत नगर में ही की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोयाबीन में नाइट्रोजन यौगीकरण किस जीवाणु के द्वारा होता है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, क्या पूछा गया है कि जो सोयाबीन में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर पहचाना है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कि राइजोबियम जापोनिकम, राइजोबियम मेलिलोटाई। थर्ड ऑप्शन आपको पूछा गया है राइजोबियम ट्राइफोलाई। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है राइजोबियम लेग्युमिनेसम। ठीक है, तो याद रखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट यहाँ पर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सोयाबीन में नाइट्रोजन का यौगीकरण किस जीवाणु के द्वारा, किस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसके द्वारा किया जाता है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि राइजोबियम जो स्पीसीज से हम इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कौन सी स्पीसीज का हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं याद रखिएगा जापोनिकम का हम यूज़ करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सोयाबीन के लिए, याद रखिएगा राइजोबियम जापोनिकम का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन याद रहेगा, याद रखिए एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंटरवेनल क्रोसिस किस तत्व की कमी से होती है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि एक डिजीज है जिसका नाम आपको यहाँ पर दिया गया है इंटरवेनल क्लोरोसिस, ये किस तत्व की कमी से होती है, ये आपको पहचाना है। सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो जल्दी से लाइव चैट में आप बताओगे या फिर आप डायरेक्ट आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि जो इंटरवेनल जो क्लोरोसिस होती है ये किस तत्व की कमी से होती है, नाइट्रोजन की, पोटास की, जिंक की या फिर लोहा की। तो याद रखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आपका जवाब क्या होगा, मतलब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उसका राइट आंसर है कि इंटरवेनल क्रोसिस जो होती है ये किस तत्व की कमी से होती है, ये होती है नाइट्रोजन तत्व की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पूसा केसर एक प्रजाति होती है, मतलब यहाँ पर आपको वेराइटी दे रखी है पूसा केसर, और आपसे पूछा गया है कि किसकी वेराइटी है, मूली की होती है, सलजम की होती है, चुकंदर की होती है, फिर गाजर की होती है। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि जो पूसा केसर होती है ये किसकी वेराइटी है। तो याद रखिए अगर आपसे पूछता है पूसा केसर तो ये किसकी होती है, ये होती है गाजर की होती है। किसकी होती है, गाजर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या नाप आता है। ठीक है, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट आपको दे रखा है और इसमें आपसे पूछा गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड थर्मामीटर का, ये किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ये क्या आता है, फसल के अंदर जो क्रॉप कैनोपी होती है, फसल के अंदर जो क्रॉप कैनोपी होती है इसका टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्या आता है, याद रखिएगा इंफ्रारेड थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर क्या होती है, 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आपको आता है जल्दी से राइट आंसर बताइए कि क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो अब यहाँ पर जो आपको पहचाना है, याद रखिएगा ग्रीष्मकालीन जो मूंग होती है इसकी सीड रेट क्या होती है, ये होती है याद रखिएगा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मूंगफली के दानों को या फिर मूंगफली में दानों को औसत मात्रा कितनी होती है, मूंगफली में जो दानों की औसत मात्रा कितनी होती है, 30%, 40%, 50% या फिर 70%। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि जो दाने का जो दाने निकलते हैं इसमें यील्ड में जो कितना परसेंट होता है, 30, 40, 50 या फिर 70। तो याद रखिए ये होता है दानों का जो औसत मात्रा होती है ये होती है 70% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि ये काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइलोडी रोग का वाहक कौन सा होता है, ठीक है, मतलब इसे फैलाने का कार्य किसके द्वारा कैसा है, वाहक का मतलब क्या होता है, इसे फैलाने का कार्य किसके द्वारा कैसा है। तो याद रखिए कि जो फाइलोडी रोग है इसको जो फैलाने का कार्य कैसा है ये किसके द्वारा कैसा है, ये कैसा है याद रखिएगा, सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मूंगफली की खली में नाइट्रोजन होती है, तो अब इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मूंगफली होती है इसमें या फिर जो मूंगफली की खली होती है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ये होती है याद रखिएगा 7 से 8% के समथिंग होती है, ठीक है। वैसे अगर हम एग्जैक्ट की अगर बात करते हैं तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितनी होती है, 7.3 होती है। तो अगर आपसे पूछता है कुसुम की खली में, तो कुसुम की खली में याद रखिएगा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कितना होता है याद रखिएगा 7.9% होता है। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपसे पूछता है मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितना होता है तो आपको क्या बताना है, 7.3 होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कुसुम मतलब सैफ्लावर, सैफ्लावर की जो केक होती है मतलब खली होती है इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, ये होता है याद रखिएगा 7.9% होता है, ठीक है। दोनों याद रहेंगे, दोनों ही आपसे याद रखिएगा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पूसा मेजेस्टी एक उन्नत प्रजाति किसकी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखी है पूसा मेजेस्टी, और ये आपको कल ही सामने सॉल्व करवाया था कि पूसा मेजेस्टी किसकी वेराइटी होती है, आम की होती है, नाशपाती की होती है, पपीता की होती है, फिर केला की होती है। आपको क्या लगता है कि राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए कि पूसा मेजेस्टी किसकी वेराइटी होती है, आम की होती है, नाशपाती की होती है, पपीता की होती है, फिर केला की होती है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है पूसा मेजेस्टी तो ये किसकी होती है, याद रखिएगा पपीता की होती है। पूसा मेजेस्टी किसकी होती है वेराइटी, ये होती है याद रखिएगा पपीता की, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि रंध्र गति का सहायक तत्व कौन सा होता है, तो याद रखिएगा रंध्रों को खोलने या बंद करने का कार्य है, रंध्रों को खोलने या बंद करने का कार्य जो किया सा है किसके द्वारा किया सा है, जल्दी से अब तो बता दीजिए कि ये तो क्वेश्चन हमने आपको कई बार क्लियर भी कराया है, और याद रखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंध्रों को खोलने और बंद करने का जो कार्य किया सा है किसके द्वारा किया सा है, मैग्नीशियम के द्वारा, जिंक के द्वारा, फास्फोरस के द्वारा या फिर पोटास के द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है जो रंध्र गति है इसमें सहायक तत्व तो कौन सा होता है, तो ये होता है पोटास होता है, पोटेशियम होता है, कौन सा होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि विंटर बनाना एक प्रजाति है, केला की, नाशपाती की, सेम की या फिर अंगूर की, आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से हमें डायरेक्ट कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने आपको कल ही सोल्व करवाया था हमारे सेकेंड चैनल, तो जल्दी से बताएंगे यार विंटर जो बनाना एक प्रजाति है ये किसकी होती है, केला की होती है, नाशपाती की होती है, सेम की होती है, फिर अंगूर की होती है। तो जल्दी से आप सभी को डायरेक्ट कमेंट करना है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, इसके साथ साथ याद रखिएगा जो भी यहाँ पर एग्रीकल्चर और राजस्थान जीके की क्लास लेना चाहते हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार जल्दी से कर लीजिए, और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा देना जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, तो फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले जय हिंद जय भारत, टेक केयर।